मूसा और इज़राइल के नेताओं ने लोगों को ये आदेश दिया, मैं जो आज्ञाएं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तुम उन सब का पालन करते रहो। जब तुम यर्दन पार कर उस देश में पहुँचो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तब बड़े बड़े पत्थर लगाकर उन पर चूना फेर दो और उन पर इस संहिता के सब नियम अंकित करो। इस प्रकार तुम यर्दन पार कर उस देश में पहुंच सकोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। जैसी कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। यर्दन पार करने के बाद तुम उन पत्थरों को जिनके विषय में मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूँ, एबाल पर्वत पर स्थापित कर उन पर चूना फेर दो। वहां प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक ऐसी वेदी बनाओ जिसके पत्थरों पर लोहे का औजार न चला हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की एक वेदी बनाओ और उस पर प्रभु अपने ईश्वर के लिए होम बलियां चढ़ाओ। तुम वहां शांति बलि भी चढ़ाओ और वहां भोजन करते हुए आनंद मनाओ। तुम उन पत्थरों पर इस संहिता के सभी शब्द स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। मूसा और लेवी कुल के याजकों ने सब इसराइलियों से कहा, इसराइल शांत रहकर ध्यान से सुनो। आज तुम प्रभु अपने ईश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर की बात मानो, उसके आदेशों और विधि निषेधों का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। उसी दिन मूसा ने लोगों को ये कहते हुए आदेश दिया, यर्दन पार करने के बाद लोगों को आशीर्वचन देने के लिए सिमोन, लेवी, यूदा, इस्साकार, यूसुफ और बेन्यामीन के वंश गरिज्जीम पर्वत पर खड़े हों, और अभिशाप देने के लिए रूबेन, गाद, आशेर, जबुलोन, दान और नफ्ताली के वंश एबाल पर्वत पर खड़े हों। तब लेवी वंश ऊंचे स्वर में सब इसराइलियों को ये घोषणा सुनाएंगे, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देव मूर्ति ढालता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदलता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है,
क्योंकि वो अपने पिता की शैया का अनादर करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन।